आज हम ईएनटी हॉस्पिटल कोठी, हर एक प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर एक जगह एक ही जिक्र चल रहा, ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस। और तेलंगाना की गवर्नमेंट ईएनटी कोठी हॉस्पिटल को ये ब्लैक फंगस के लिए नोडल हॉस्पिटल करार की है। आज जब आए हम पेशेंटों से बात करें तो यहाँ की हाल हकीकत ये है कि 200 चिल्लर बेड है और 10-10 दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं। बेहतरीन डॉक्टर्स है, बेहतरीन स्टाफ है, लेकिन ये बीमारी के ताल्लुक से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये कोविड-19 खत्म होने के बाद जिसको भी डायबिटिक रहता और इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर होता, इसको ये ब्लैक फंगस हावी हो रहा और ये आंख को स्पॉइल कर दे रहा। और जब आंख का ऑपरेशन आप नहीं करेंगे तो आंख के बाजू के जितने भी बोन्स है उसको इन्फेक्ट कर रहा, और प्रॉपरली आप उसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो ये ब्रेन में जा रहा और पेशेंट का इंतकाल हो जा रहा। और इसके लिए जो दवाएं अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, ये इसकी खिल्लत है। इसके अंदर जो मेन लाइफ सेविंग जो इंजेक्शन है वो शॉर्टेज में है और उसका नाम है लाइपोसोमल एम्फोटेरिचिन बी। यहां के सुप्रिटेंडेंट साहब ये बोलते कि ये इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, मगर जहां तक हमारी जानकारी है गवर्नमेंट के पास इसकी शॉर्टेज है। एकदम एक नई बीमारी निकल के आई। जब मैं यहां के डॉक्टर से बात कर रहा था वो बता रहे थे कि एक रेयर बीमारी है, मगर आज की सिचुएशन के ऊपर जिस तरीके से जंगल में आग फैलती उस तरीके से ये बीमारी फैल रही है। और ईएनटी हॉस्पिटल के अंदर जो मैं दोनों सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, खुसूसी स्टेट गवर्नमेंट को ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास यहां स्कैनिंग का मशीन नहीं है, एमआरआई स्कैनिंग नहीं है, आरटीपीसीआर करने का प्रोविजन नहीं है, किधर का भी दिल का एक्सरे, नाक का एक्सरे कराना है तो यहां के पेशेंटों को बाहर जाना होगा। और जब मैं हर एक पेशेंट से बात करा तो कितना खर्चा बैठा आपको, तो पेशेंट बोल रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक खर्चा बैठा सिर्फ स्कैनिंग और रिपोर्टों। और ये हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 3 से 4 जो सर्जिकल बेड है और 5 दिन से 7 दिन से 8 दिन से पेशेंट लाइन में है कि वो सर्जिकल बेड कब खाली होता और हमारे पेशेंट को चांस कब मिलता। जब से ये कोविड-19 का सेकेंड वेव आया बातचीत समझ में नहीं आ रही कि हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट, हमारी स्टेट की गवर्नमेंट आखिर कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं आप। पहली बात, मैं डॉक्टरों की नियत के ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं डॉक्टरों को सलूट कर रहा हूं। अगर से आज कोई ये सिचुएशन के ऊपर कोई बचा रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बचा रहा, एनजीओ काम कर रहे हैं और जो फर्स्ट बेहतरीन जो काम कर रहे हैं
वो पुलिस फोर्स काम कर रही, डॉक्टर्स काम कर रही, नर्स काम कर रहे, ये लोग काम कर रहे, मगर किस तरीके से डीलिंग करना। अगर से आप डॉक्टरों के हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, आप उनको स्कैनिंग मशीना नहीं देंगे, आप उनको दूसरे एक्सरे मशीना नहीं देंगे, आप उनको फैसिलिटी नहीं देंगे, तो आप सोचिए, आप बोल रहे हैं कोविड 19 को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं यहां ठहर के आप क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आप पेशेंट आप बाहर जाना, आप इंतजाम करना, आप इरिगेशन प्रोजेक्ट करना है केसीआर, तो आप 1-1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करते आप। और जब हॉस्पिटल में गरीब कमजोर आवाम को जरूरत है, आप मशीनों का इंतजाम नहीं कर सक रहे। आपके आईसीएमआर क्या कर रही थी, आपके जब साइंटिस्ट आप बोल रहे थे कि ये बीमारी आ रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकी, ना स्टेट गवर्नमेंट कर सकी। यहां का जो हमारा स्टाफ है उनको सलूट सलाम, अपनी जान को दांव पे लगा के, अपने खानदान वालों की जान को दांव पे लगा के वो रात और दिन काम कर रहे। कोई भी एक पेशेंट नहीं मिला मेरे को जहां पे ये बोला कि डॉक्टर सही नहीं है, स्टाफ सही नहीं है, नर्स सही नहीं है। हर कोई इन लोगों को सलाम मार रहा। और फिरोज खान एक जमाने में था जब हिंदुस्तान को मिलिट्री हरा कलर संभालता था, आज ये व्हाइट कलर संभाल रहा। पर मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से ये है, इनको प्रॉपर मशीना दियो, प्रॉपर ड्रग्स दियो, प्रॉपर इंजेक्शना दो। और कौन सी लाइन पे काम कर रहे हैं आप? जब मैं शुरुआत में कोविड 19 के लिए काम शुरू करा तो आप लोग बोले कि यस एक हाइड्रोक्लोरोफिन काम को आता, फिर आप बोले आइवरमेक्टिन काम को आता, फिर आप बोले लोपिनार काम को आता, फिर आप बोले अजिथ्रोमाइसिन काम को आता, आप बोले प्लाज्मा काम को आता, आप बोले रेमडेसिविर काम को आता। और आज वही कोविड 19 के प्रोटोकॉल में आप ये पूरे चीजों को निकाल दिए। ये जितने भी ड्रग्स है रेमडेसिविर के लिए लोग अपना सोना बेच दिए, अपना घर बेच दिए, अपनी जायदाद बेच दिए, और 1-1 लाख रुपए का वो इंजेक्शन आज आप बोलते हैं रेमडेसिविर काम करेंगे। तो आखिर काम का क्या है? आवाम खाली दीवानों के वैसा, ये दुकान से वो दुकान, इसको फोन करो उसको फोन करो। वैक्सीनेशन नहीं है हिंदुस्तान में, तो रही बात ब्लैक फंगस को अगर से कंट्रोल में लाना है तो मेहरबानी करके ये हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई मशीना, स्कैनिंग मशीना और जितने भी टेस्ट होना है उसका भी इंतजाम करिए। सेंटर गवर्नमेंट को यह है कि आप आयुष्मान भारत बोल के एक स्कीम लाए, उसके अंदर ब्लैक फंगस को डालिए। और केसीआर को तो हम बोलते बोलते थक गए, अरे कोविड 19 का ट्रीटमेंट आरोग्यश्री में लाओ, गरीब कमजोर की मदद करो। एक एक जनों की बात में जब सुन रहा हूं, उधारों में है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले लिए, ज्यादा बेच लिए, और उसके बाद उनका पेशेंट नहीं बच रहा। चलो ज्यादा गई बात पेशेंट बचता, तो मेहरबानी करके ईएनटी के ऊपर आप फोकस करिए, ये ब्लैक फंगस को आप रोकिए, और इमीडिएटली जो फैसिलिटीज होना आप उसको प्रोवाइड करिए। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया।